हमारे यहाँ एक्टर्स है जिनका मुझे पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो स्टारडम उन पर इतना हावी हो गया है कि वो चीज आपको ऐसा लगता है कि आपने लकीर खींच दिया है, लेकिन आप उसी गलत फहमी में। अच्छा, कंट्रोवर्सी तो खैर अलग छोड़ते हैं, आपने कोई अफेयर अफेयर की चर्चा भी नहीं सुनी? मैं बहुत स्मार्ट छुपा लेते नहीं करता किसी भी इंडस्ट्री का के बोला, अरे हमारा गाना था 100 मिलियन पार, मेरा मैं पहला हूँ जिसका 100 मिलियन, मैं दूसरा हूँ, या मैं पहला हूँ जिसने ये किया, मैं क्या किसी ने कहा? जो देखते हैं कह रहे सस्ता सा VFX होता है और सांप भी प्लास्टिक की तरह दिखता है तो वो हीरो से ज्यादा खर्चा भी है। पावर स्टार पवन सिंह के सामने चिंटू पांडे को लगा बड़ा डर, तो क्या खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसे अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के सामने चिंटू पांडे की आने वाली फिल्म शायद न चले, इसकी वजह से चिंटू पांडे ने फिर से देखा जाए तो स्टारडम अपना लिए हैं। बेशक अगर बात की जाए तो वो भी कंट्रोवर्सी लेके बैठ चुके हैं और पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान भी आने वाली है दशहरे तक, तो पावर स्टार पवन सिंह का वो भी फिल्म चिंटू पांडे के साथ रिलीज होगा, तो 100% कहीं ना कहीं चिंटू पांडे को डर लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के सामने हमारी फिल्म फ्लॉप क्यों ना हो जाए, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जलवा सूर्यवंशम का जलवा देखकर हर कोई दंग रह गया है कि पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म इतना बड़ा रिकॉर्ड भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बना सकती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि चिंटू पांडे अब तक किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, लेकिन अब घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह को लेकर चिंटू पांडे के मन में बहुत बड़ा डर बैठा है। तो इस पर आपका क्या राय?